Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. In the previous lecture, we started the concentration units in which we revised different concentration units like percentage, percent mass, mass percent, or weight percent. And then we मैंने इसको आपको percentage by volume, volume by volume, or volume by weight का बताया. फिर मैंने आपको molarity और molality से भी बताया. उससे related हमने कुछ examples भी solve की. I hope आपने बाकी example भी solve की होंगी. Next जो हमें यहाँ पर मैं आपको जो solve करवाऊँगी यहाँ पर हमने जो last time किया था वो molality की थी, right? Molality हमने की थी. मोलैरिटी और मोलैरिटी में मैंने आपको बता दिया था दैट मोलैरिटी इज द मोल ऑफ सोल्यूट पर डेसीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन वेयर एज द मोलैरिटी इज मोल्स ऑफ सोल्यूट पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट. ठीक है, अब इसमें जो है हम इसी कंसंट्रेशन यूनिट को हम आगे चलाएंगे. नाउ टुडे let's talk about the self check exercise 10.3. okay, self check exercise 10.3 की बात कर लेते हैं. self check self check 10.3. okay students, self check 10.3 पे आ जाएं आप लोग. that is any fluid infused intravenously into an individual must be isotonic with the blood cells and the blood plasma. Such infusions are either 5% dextrose or 0.9% normal saline. The first solution is composed of 5 gram of glucose per 100 centimeter cube of solution and other of 0.9 gram NaCl per 100 centimeter cube of solution. Calculate the molarity of these intravenous solution. Okay student, हमारे पास दो solutions हैं self check में, जिसके अंदर आपका जो पहला infusion है, पहले वाले infusion के अंदर क्या है इसके अंदर, that is हम इसका data बना लेते हैं. okay, मैं दोबारा बता रही हूँ, it is self check 10.3. okay students, self check 10.3. इट इज सेल्फ चेक 10.3. डेटा बनाते हैं. इसमें हमने दो चीज़ों की मोलैरिटी फाइंड करनी है स्टूडेंट्स, मोलैरिटी. ओके, तो इसमें सबसे पहले जो आपको इसमें अमाउंट गिवन है वो है, हम पहले ग्लूकोज की मोलैरिटी जो है हम फाइंड आउट कर लेते हैं. ग्लूकोज का जो सोल्यूशन है, दो चीज़ें हैं, एक सलाइन है और एक ग्लूकोज सोल्यूशन है. तो ग्लूकोज में इसके हम दो पार्ट्स में मैं लिख लेती हूँ, ए पार्ट और बी पार्ट के नेम से. ठीक है, सो ए पार्ट इसको कर लेते हैं ग्लूकोज सॉल्यूशन को, बी पार्ट हम सलाइन सॉल्यूशन को कर लेते हैं. अब जो ग्लूकोज की क्वांटिटी है सॉल्यूट की, उसमें सॉल्यूट की जो क्वांटिटी है ग्लूकोज की, योर ग्लूकोज क्वांटिटी इज 5 ग्राम. ओके, एंड द सॉल्यूशन इज 100 सेंटीमीटर क्यूब. ठीक है, जो आपका सॉल्यूशन का वॉल्यूम है, योर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज 100 सेंटीमीटर क्यूब. ठीक है, 100 सेंटीमीटर क्यूब है आपके सॉल्यूशन का वॉल्यूम. अब जब इसको 1000 पे डिवाइड कर दूंगी देन इट विल बिकम 0.1 डेसीमीटर क्यूब. ठीक है, ये हमारा पहले वाले डेटा हो गया. अब जो मोलैरिटी का आपका फॉर्मूला है, जो कि मैंने आपको बताया था कि हम दो फार्मूलाज यूज करते हैं, दैट इज नंबर फर्स्ट फार्मूला इज मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर डेसीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन एंड द सेकंड वन व्हेन आई रिलेटेड द नंबर ऑफ मोल्स इन इट, दैट इज ग्राम ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू डेसीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन. हम उसी फार्मूला को इसमें इस्तेमाल करेंगे. योर फार्मूला इज दैट इज मोलैरिटी. ठीक है, फिर मैं आपको भी इसका फार्मूला वैसे भी विजिबल कर देती हूँ. यहाँ पर हम इसका दूसरे का भी हम निकाल लेते हैं इसकी वैल्यू, दैट इज आपका जो सिलाइन है NaCl, NaCl की जो अमाउंट है दैट इज अबाउट 0.9 ग्राम एंड द सॉल्यूशन ऑफ इट इज, द वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इज अगेन 100 सेंटीमीटर क्यूब. सो यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू डेसीमीटर क्यूब, बिकॉज हम जो मोलैरिटी का फार्मूला लेते हैं तो वो सोल्यूशन जो है डेसीमीटर क्यूब में होता है, तो 0.1 डेसीमीटर क्यूब आ जाएगा. ठीक है बेटे, अब वन थिंग, जब हम फार्मूला लेते हैं इसमें मोलैरिटी का, तो मोलैरिटी का आपके पास फार्मूला क्या है, मैं यहाँ पे लिखती हूँ मोलैरिटी इज दैट इज इक्वल टू ग्राम्स ऑफ सॉल्यूट
योर ग्राम्स ऑफ सोल्यूट, ओके, आपने सोल्यूट की जो अमाउंट है ग्राम में, जो इसमें दोनों में मेंशन है, ओवर मोलर मास ऑफ सोल्यूट, ठीक है, सोल्यूट का जो है आपका सोल्यूट मोलर मास, सोल्यूट मोलर मास, ओके, इंटू डेसीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन, ये हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा। तो अब यहाँ पर हमारे पास क्या चीज मिसिंग है, हमारे पास मिसिंग है सोल्यूट का मोलर मास। तो जब आप मोलर मास निकालेंगे ग्लूकोज का, दैट इज C6H12O6। स्टूडेंट मैंने काफी बार रिवाइज करवाया कि मोलर मास कैसे कैलकुलेट करना है, तो आप खुद भी इसको कैलकुलेट कीजिएगा। तो अब इसको आप कैलकुलेट करेंगे, इट विल बी 180 ग्राम पर मोल, ओके, वेयर एज द मोलर मास फॉर योर सोडियम क्लोराइड विल बी इक्वल टू 58.5, ठीक है। तो इसका जो मोलर मास है NaCl का, मोलर मास ऑफ NaCl विल बी इक्वल टू 58.5, ठीक है। अब इसको हम ग्राम पर मोल, अब इसको वन बाय वन जो है हम फॉर्मूले में प्लेस करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब इसकी वैल्यू प्लेस करते हैं। अगेन आई एम राइटिंग फॉर्मूला फॉर यू, रिमेंबर molarity is represented by capital M and molality is represented by smaller m. So your solute in grams, okay, solute in grams over molar mass of your solute, ठीक है, आपके solute का molar mass, इसको multiply करेंगे decimeter cube of your solution, ठीक है बेटे। अब इसमें हम जैसे दो दो पोर्शन है इसके, पहले ग्लूकोज के लिए प्लेस कर देते हैं। ग्लूकोज की जो गिवन अमाउंट, मैंने डेटा आपको बताया सोल्यूट की अमाउंट कितनी थी, 5 ग्राम, ओके, कितनी अमाउंट थी इसकी, 5 ग्राम, ठीक है। और इसका जो मैंने मॉलिक्यूलर मास आपको फाइंड करके बताया इसका ग्लूकोज का क्या है, वो 180 है। और हमने जब सोल्यूशन के वॉल्यूम को कन्वर्ट किया, इट वॉज 0.1 डेसीमीटर क्यूब, ठीक है। तो अब इसका आंसर निकाल लेंगे। और जो दूसरा साइड है हमारे पास NaCl का, वो था 0.9 जो थी वो वेल अमाउंट थी हमारे सोल्यूट की, सोडियम क्लोराइड सलाइन सॉल्यूशन की, उसका जो मॉलिक्यूलर मास था वो 58.5 था। और इसको हम 0.1 से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे। जब आप इसका आंसर निकालेंगे, द आंसर विल बी 0.28 m, ठीक है, मोलर एंड 0.15 मोलर, ठीक है। ओके स्टूडेंट, द नेक्स्ट कंसेंट्रेशन यूनिट इज मोल फ्रैक्शन, ठीक है, मोल फ्रैक्शन। अब नॉर्मली हम मोल फ्रैक्शन की जब हम बात करते हैं, इसी फॉर एग्जांपल समझने के लिए हम लेते हैं कि लेट्स कंसिडर हमारे पास जो है वो दो कंपोनेंट्स हैं, ए कंपोनेंट और बी कंपोनेंट, ठीक है, या ए गैस या बी गैस। ये हमने पहले भी डिस्कस किया है पार्शियल प्रेशर वाले में भी, और जब हमने के सी एक्सप्रेशन को रिलेट किया था नंबर ऑफ मोल्स के साथ, के एन के साथ, तब भी हमने ये चीज़ डिस्कस की थी मोल फ्रैक्शन क्या चीज़ होती है। जब हम नंबर ऑफ मोल्स को रिलेट करते हैं, दो अगर कंपोनेंट है, तो अगर एक कंपोनेंट के लिए हम लेते हैं, यू कैन डिफाइन एज इट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ गिवन कंपोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। यहाँ पर जो हम रिलेट करेंगे वो सॉल्यूशन के लिहाज से रिलेट करेंगे, क्यों बच्चे, बिकॉज हेयर वी आर टॉकिंग अबाउट सॉल्यूशन एंड सॉल्यूशन इन दिस चैप्टर। हम नॉर्मली अगर आप गैस के चैप्टर के लिहाज से कहेंगे हमने नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने, फिर हम कहेंगे हमारे पास दो गैसेज हैं, गैस ए और गैस बी, और जब हमने मोल फ्रैक्शन फाइंड करना होगा गैस ए का, तो हम उसको ए के नंबर ऑफ मोल्स को डिवाइड करेंगे सम ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए एंड बी, और अगर बी का फाइंड करना होगा तो बी के मोल्स को डिवाइड करेंगे सम ऑफ ए प्लस बी। फॉर एग्जांपल इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द नंबर ऑफ मोल्स और दैट इज मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन को हम एक्स से जाहिर करते हैं। अगर मैं ए कंपोनेंट के लिए करूंगी तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए डिवाइडेड बाय एन ए प्लस एन बी हो जाएगा। अगर जो मुझे कंपोनेंट बी के लिए करना है तो एक्स बी विल बी इक्वल टू एन बी डिवाइडेड बाय एन ए प्लस एन बी, ठीक है, तो इसमें सम ऑफ कंपोनेंट्स आ जाएगा। नाउ हेयर वी आर टॉकिंग अबाउट द मोल्स ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। अगर हमारे पास जैसे एक सोल्यूट है एक सॉल्वेंट है, इसको हम ले लेते हैं इसके अंदर, तो हम इसको किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, जैसे यहाँ देखें फॉर एग्जाम्पल मैं हम कंसिडर करते हैं कि जो आपका सॉल्वेंट है वो बी है और आपका सोल्यूट जो है वो ए है,
ठीक है, तो इसमें आप यहाँ पे देखिए, आई हैव पेस्टेड द फॉर्मूला हेयर, यू कैन सी हेयर दैट मोल्स ऑफ, अगर मैं सोल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स फाइंड कर रही हूँ, देन मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट विल बी मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स ऑफ सोल्यूशन। सो टोटल मोल्स ऑफ सोल्यूशन, सोल्यूशन कैसे बनेगा, जब सोल्यूट और सॉल्वेंट को कंबाइन लेंगे, बिकॉज वैन अ सोल्यूट इज डिजॉल्व्ड और यहाँ पे हमारे सॉल्वेंट के अंदर ऐड हो जाएगा, फॉर एग्जाम्पल वाटर है उसमें हम NaCl डाल देते हैं, वाटर है उसमें शुगर डाल देते हैं, देन इट बिकम्स अ सोल्यूशन। तो अगर हमें सोल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स, हम यहाँ पे इसका सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन ले रहे हैं, तो हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट को डिवाइड करेंगे किसके ऊपर, टोटल मोल्स ऑफ सोल्यूशन में। इसी तरह अगर हम सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन ले रहे हैं, तो हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट को डिवाइड करेंगे टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन में, और सॉल्यूशन में अगेन आई एम रिपीटिंग हियर दैट सॉल्यूशन विल बी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। इसीलिए हम जब वो इक्वेशन इस्तेमाल करते हैं, जो रिलेशन इस्तेमाल करते हैं, दैट एक्स वन और एक्स सॉल्यूट, ठीक है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, जो बाइनरी रिलेशन हम लेते हैं, जैसे एक्स वन प्लस एक्स टू इज इक्वल टू वन लेते हैं, ठीक है। अब इससे रिलेटेड कुछ हम चीजें सॉल्व करते हैं। लेट्स कंसिडर द एग्जाम्पल, एग्जाम्पल 10.5। ओके, हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे एग्जाम्पल 10.5। ओके स्टूडेंट्स, केयरली केयरफुली आप इसको देखें, एन एक्वस सॉल्यूशन कंटेनिंग 100 ग्राम इथेनॉल पर डेसीमीटर क्यूब, ओके, ऑफ सॉल्यूशन हैज अ डेंसिटी ऑफ 0.984 ग्राम सेंटीमीटर पर सेंटीमीटर क्यूब, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कॉम्पोनेंट ऑफ सॉल्यूशन। ऑब्वियसली यहाँ पर जो हमारा सॉल्यूशन है वो इथेनॉल का सॉल्यूशन है, इसका मतलब है इस वाले हमारे एग्जाम्पल में दो चीज़ें हैं, एक इथेनॉल है और सॉल्वेंट हमारा क्या है, वाटर है। ऑब्वियसली सॉल्वेंट इज योर वाटर, तो ये हमारा इथेनॉल सॉल्यूशन बन जाएगा। इसका मतलब है हमने मोल फ्रैक्शन जो है वो इथेनॉल का भी फाइंड करना है और सॉल्वेंट का भी फाइंड करना है। जो डेटा आपके क्वेश्चन में गिवन है दैट एक्वस सॉल्यूशन कंटेन्स 100 ग्राम ऑफ इथेनॉल पर डेसीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन, इट मींस दैट द अमाउंट ऑफ इथेनॉल, द गिवन अमाउंट ऑफ, गिवन अमाउंट ऑफ इथेनॉल दैट इज C2H5OH इज इक्वल टू 100 ग्राम, एंड योर सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू 1 डेसीमीटर क्यूब, 1 डेसीमीटर क्यूब, और यू कैन ऑल्सो से दैट इज, इट इज 1000 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, नाउ द नेक्स्ट डेटा दैट इज अवेलेबल हियर, ही इज सेइंग दैट द डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज 0.984 ग्राम। ओके, जो यहाँ पे डेंसिटी, यू नो दैट डेंसिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय रो, सो डेंसिटी इज इक्वल टू, एंड दिस डेंसिटी इज ऑफ सॉल्यूशन, ये हमारे सॉल्यूशन की डेंसिटी जो है गिवन, दैट इज 0.984 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। सो दैट इज द रीजन आई हैव रिटन द वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन दैट इज 100 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, नाउ इफ वी कैलकुलेट द मास ऑफ द सॉल्यूशन, अगर हम मास ऑफ सॉल्यूशन जो है वो फाइंड करते हैं कि सॉल्यूशन का मास कितना है, तो यू नो दैट कि हम जब डेंसिटी लेते हैं, डेंसिटी किसके इक्वल होती है, मास अपॉन वॉल्यूम। ओके, वी नो दैट डेंसिटी इज इक्वल टू, डेंसिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय रो, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, बट नाउ आई वॉन्ट टू कैलकुलेट द मास ऑफ सोल्यूशन, कि मास ऑफ सोल्यूशन क्या है, मास ऑफ, मुझे सोल्यूट तो पता चल गया, मुझे सोल्यूशन का मास पता करना है, तो मैं क्या करूँगी, इस वॉल्यूम को उस तरफ ले जाएंगे, तो मास ऑफ सोल्यूशन हम किस तरह से फाइंड करेंगे, दैट एम विल बी डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम, सो योर मास ऑफ सोल्यूशन विल बी, डेंसिटी इज 0.984, ओके स्टूडेंट, यहाँ 4 भी है, 0.984 × 1000 सेंटीमीटर क्यूब, सो द मास ऑफ सॉल्यूशन विल बिकम 984 ग्राम। ओके, 984 ग्राम।
ओके नाउ मास ऑफ सॉल्यूशन इज नाउ 984 ग्राम. ठीक है, हमारा जो मास आ गया सॉल्यूशन का वो क्या आ गया, मास मास ऑफ सॉल्यूशन जो हमने मल्टीप्लाई किया डेंसिटी और वॉल्यूम को, वो अब आपका आ गया 984 ग्राम. अब जो हमारा सॉल्वेंट है वाटर, उसमें वो कह रहा है कि जो हम इसका मास निकालें इसमें सॉल्वेंट का, तो मास ऑफ सॉल्वेंट विल बी, ठीक है. अब सॉल्यूशन के अंदर ऑब्वियसली जो है आपका सॉल्यूट भी है और सॉल्वेंट भी है. सॉल्यूट हमारे डेटा के मुताबिक कितना है, 100 ग्राम है. तो ऑब्वियसली अगर हम सॉल्यूट का मास इस सॉल्यूशन के मास से माइनस कर देंगे तो हमारे पास सॉल्वेंट का मास आ जाएगा. और हमारा सॉल्यूट क्या था, इथेनॉल था, वो कितना था, 100 ग्राम था. तो इसका मतलब है जब मैं 984 में से सॉल्यूट की अमाउंट जो है वो माइनस कर दूंगी तो जो रिमेनिंग अमाउंट आएगी वो क्या होगा, वो मेरे पास सॉल्वेंट का मास होगा, मतलब वाटर का मास होगा 884 ग्राम. ठीक है, ये अब गिवन मास हमारे पास आ गया वाटर का भी. ठीक है, ये गिवन मास ऑफ इथेनॉल हमारा कितना था, 100 ग्राम. अब गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट हमारे पास कितना आ गया, 884 ग्राम. अब हम इनके नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करते हैं. ठीक है, सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स जो है हम फाइंड करते हैं इथेनॉल के लिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेनॉल. ठीक है, हम इथेनॉल के लिए मास फाइंड कर लेते हैं. इथेनॉल को इस तरह से हम C2H5 करके सबस्क्रिप्ट में लिख लेते हैं. अभी इसमें गिवन मास इथेनॉल का कितना था, 100 था. और फिर इसका मॉलिक्यूलर मास आपने फाइंड आउट करना है. मॉलिक्यूलर मास जब आप इसका फाइंड करेंगी तो आपका आ जाएगा 46 ग्राम पर मोल. मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी इसका फाइंड करना बताया था, तो मैं इसको एक बार फिर बता देती हूँ. यहाँ देखें, C2H5OH, इट मीन्स दैट 2 × 12 प्लस 5 × 1 प्लस 16, वन 16 एंड प्लस 1, सो 24 प्लस 5 प्लस 16 प्लस 1, सो दिस बिकम्स 24, 30, 40 एंड 46, सो इट इज 46 ग्राम पर मोल. ओके, दिस बिकम 46 ग्राम पर मोल. सो द मोलर मास ऑफ दिस इथाइल अल्कोहल और इथेनॉल बोथ आर सेम. सो 46 पे जब हम इसको डिवाइड कर देंगे तो इसका आंसर जो आपके पास आएगा, द आंसर विल बी 2.17 मोल. ओके, 2.17 मोल. ठीक है, इस तरह से हमने इथेनॉल का मोलर मास फाइंड कर लिया और नंबर मोल ऑफ कैलकुलेट कर ली, बिकॉज वी नो दैट द नंबर ऑफ मोल्स इज गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास. तो मोलर मास कितना आया उसका, 46 ग्राम पर मोल. अब हम नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करते हैं किसके, सॉल्वेंट के. ठीक है, दैट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर. तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर के लिए हम करेंगे एन 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 एच टू ओ. सो द गिवन मास ऑफ वाटर अभी हमने फाइंड किया 84, और हमारे पास जो गिवन मास कितना है, 84 आ जाएगा. और मोलर मास वाटर का ऑब्वियसली क्या है, 18 ग्राम पर मोल होता है. 18 ग्राम कैसे आया, यहाँ देखें H2O, इट मीन्स देर आर टू हाइड्रोजन्स एंड वन ऑक्सीजन. सो 2 is to 1 एंड ऑक्सीजन इज इक्वल टू 16, सो 2 + 16 इज इक्वल टू 18 ग्राम पर मोल. ओके स्टूडेंट्स, तो इसको जब हमने डिवाइड किया तो डिवाइड करने के बाद आपका आंसर क्या आएगा, 49.1 मोल. ओके, 49.1 मोल. ओके स्टूडेंट्स, इस तरह से ये हमारा नंबर ऑफ मोल आ गया. नंबर ऑफ मोल्स अभी कितने हैं, 2.17 एंड 49.1. अब अगर हम कहें कि नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूशन कितने हैं, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन हमारे पास कैसे हो जाएंगे, कि दोनों को हम प्लस कर देते हैं. 2.17 को हम प्लस कर देंगे 49.1 में, तो हमारे पास सॉल्यूशन के जो है वो नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे, दैट विल बी 51.27 मोल. 51.27 मोल्स. ठीक है, 27 मोल्स. ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम इसका मोल फ्रैक्शन निकालते हैं.
ओके स्टूडेंट्स, हमारे पास अभी इथेनॉल है और वाटर है, दोनों का मोल फ्रैक्शन निकालते हैं। वी नो दैट मोल फ्रैक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय एक्स, ठीक है। एक्स रिप्रेजेंट करेंगे तो सबसे पहले हम ऐसा करते हैं कि हम वाटर के मोल फ्रैक्शन निकाल देते हैं। ऑब्वियसली स्टूडेंट्स, अब हमें मोल फ्रैक्शन वाटर का निकालना है तो हम क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर आ जाएगा अब, और इसमें डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूशन, ठीक है, मोल्स ऑफ सोल्यूशन। ओके, तो नंबर ऑफ हमने वाटर मॉलिक्यूल जो हमने फाइंड आउट किए थे दैट वाज 49.1, 49.1, एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूशन वाज, अभी अभी हमने प्लस किया दोनों को, क्या आया था, 51.27, ठीक है। तो इसका जो मोल फ्रैक्शन आपके पास आ जाएगा दैट विल बी 0.958, 0.958। ओके, नाउ मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल, इथेनॉल में फिर क्या आ जाएगा, दैट नंबर ऑफ इथेनॉल, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेनॉल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। तो इथेनॉल के जो हमने नंबर ऑफ मोल्स फाइंड किए थे वो क्या थे, 2.17, डिवाइड करेंगे सॉल्यूशन से 51.27, देन योर आंसर विल बी 0.042, ठीक है, 0.042। सो इन दिस वे यू कैन कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन बहुत ईजी है, इसे प्रैक्टिस कीजिएगा अच्छे से। नाउ नेक्स्ट वी विल डू दैट इज द पीपीएम, पीपीबी एंड पीपीटी, दैट इज द पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर बिलियन एंड पार्ट्स पर ट्रिलियन। हम जो नेक्स्ट कंसंट्रेशन यूनिट स्टडी करेंगे वो ये करेंगे, दे आर वेरी इजी कंसंट्रेशन यूनिट्स। अब पार्ट्स पर मिलियन मीन दैट वन पार्ट पर मिलियन, पार्ट्स पर बिलियन मीन्स वन पार्ट पर बिलियन, एंड इफ इट इज पार्ट्स पर ट्रिलियन देन इट इज वन पार्ट पर ट्रिलियन। अब अगर हम इसको सॉल्यूशंस के लिहाज से कहें तो इसमें क्या होगा, दैट हम इसमें लेंगे पार्ट ऑफ सॉल्यूट पर मिलियन पार्ट ऑफ सॉल्यूशन, पर बिलियन पार्ट ऑफ सॉल्यूशन एंड पर ट्रिलियन पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन। इसमें ये देखें, पीपीएम, पी फॉर पार्ट्स, पी फॉर पर एंड एम फॉर मिलियन। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं पार्ट्स पर मिलियन को। ओके, यहाँ पर जो मैंने आपके लिए स्लाइड पेस्ट की इसमें सिर्फ मास है, बट अकॉर्डिंग टू योर बुक हम इसको वॉल्यूम भी ले सकते हैं। आप यहाँ पर इस तरह मेंशन कर लें, बुक में भी आपके मेंशनड है दैट वी कैन टेक बोथ, हम मास और वॉल्यूम दोनों ही ले सकते हैं, मास और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 10^6, 10^6 दैट इज 4 मिलियन। सो यू कैन से दैट मास और वॉल्यूम, ठीक है, मास या वॉल्यूम हम दोनों ले सकते हैं, किसका, सॉल्यूट का डिवाइडेड बाय मास और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ओके, देन मल्टीप्लाई बाय 10^6। इसी तरह हम बाकियों के लिए भी लेंगे, दैट इज इसमें अगर हम अगर मिलियन है तो 10^6 से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर आपका जो है वो हम पार्ट्स पर बिलियन लेते हैं तो उसको हम 10^9 से मल्टीप्लाई करेंगे, और अगर जो है अगर पार्ट्स पर ट्रिलियन है तो हम इसी फॉर्मूले को, ये चीज़ सेम रहेगी, दैट इज मास और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अगर आप पार्ट्स पर मिलियन फाइंड करें तो आप उसको 10^6 से मल्टीप्लाई करें, अगर आप पार्ट्स पर बिलियन से करेंगे तो आप 10^9 से मल्टीप्लाई करेंगे, और अगर आप पार्ट्स पर ट्रिलियन फाइंड कर रहे हैं तो वो 10^12 से मल्टीप्लाई करेंगे। दिस थिंग विल रिमेन सेम, ओनली दिस डिजिट्स विल डिफर ड्यू टू द रीजन दैट पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर बिलियन और पार्ट्स पर ट्रिलियन। ये यूनिट ज्यादातर जो है एनवायरमेंटल केमिस्ट इस्तेमाल करते हैं टू नो द अमाउंट ऑफ रिलेटिव अमाउंट ऑफ द गैसेज इन द एनवायरमेंट। इसी के बिहाफ पे वो डिसाइड करते हैं दैट वेदर दिस गैस कैन बी इंक्लूडेड एज अ टॉक्सिक और एज अ पोल्यूटेंट इन द एनवायरमेंटल पोल्यूशन। तो ये ज्यादातर एनवायरमेंटल केमिस्ट इस्तेमाल करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे आपके लिए स्लाइड भी पेस्ट की है, देखिए 10^6, 10^9 एंड 10^12। सो लेट्स टेक सम एग्जाम्पल्स। Now I'm going to give you the example that is 10.6. Okay, हम करते हैं example 10.6. Okay, now according to this example, an atmospheric chemist reports that 1 decimeter cube of air in an urban area contained 0.5 × 10^-4 centimeter cube of carbon monoxide. What is the concentration of carbon monoxide in ppm? ठीक है, अब यहाँ पर देखें, मैंने आपसे पहले बताया
कि देन वी कैन टेक बोथ मास और वॉल्यूम। तो इस एग्जांपल में जो आपकी हमने पार्ट्स पर मिलियन फाइंड करना है किस चीज का, कार्बन मोनोऑक्साइड का। सो इन दिस केस वॉल्यूम इज गिवन, तो हम कार्बन मोनोऑक्साइड का वॉल्यूम ही लेंगे। तो उसकी जो वॉल्यूम इसको प्रोवाइडेड है कार्बन मोनोऑक्साइड का, दैट इज 3.5 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 4, और जो एयर का जो इसने बताया हुआ है दैट इज 10 रेज टू पावर 3। सो हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 10 रेज टू पावर 6 से, जो आपका आंसर आएगा दैट विल बी 0.35 ppm, दैट इज 0.35 पार्ट्स पर मिलियन। ठीक है, इसी तरह मैं सेल्फ चेक को एक रिलेट करूंगी आपके साथ। सेल्फ चेक 10.4 का पहला पार्ट है जिसमें वो कह रहा है कैलकुलेट द पार्ट्स पर मिलियन बाय मास ऑफ कैल्शियम इन अ 2.5 ग्राम टैबलेट दैट कंटेन्स 500 mg कैल्शियम। ठीक है, 500 mg जो है कैल्शियम के तौर पे वो कह रहा है कि आप इसकी अमाउंट बताएं। इसको आपने इसी तरह से सॉल्व करना है जिसमें वो क्या कह रहा है, यहाँ पे देखें 500 mg है, इसको हम ग्राम में चेंज करेंगे। सेल्फ चेक का मैं बता रही हूँ आपको, सेल्फ चेक का मैं फर्स्ट पार्ट कर रही हूँ, दैट इज नंबर 1, सेल्फ चेक 10.4। ओके, सो फर्स्ट पार्ट इज मास ऑफ कैल्शियम टैबलेट। ठीक है, इसका मतलब है मेन आपकी जो टेबलेट है वो कितनी है, 2.5 ग्राम की है, और अमाउंट ऑफ कैल्शियम जो है 500 mg है। तो mg को जब आप ग्राम में चेंज कर दोगे तो वो 0.5 हो जाएगा। तो इसको जो आप आंसर निकालेंगे इस तरह से हो जाएगा कि 0.5 ओवर 2.5 इंटू 10 रेज टू पार 6। ठीक है, तो आपका कैल्शियम का आंसर आ जाएगा दैट विज 0.2 इंटू 10 रेज टू पार 6 पार्ट्स पर मिलियन। ओके स्टूडेंट, सो डू प्रैक्टिस। मैंने आपको एक क्लास में भी अच्छे से करवा दिए थे, सारे एग्जांपल्स हमने किए हैं, रिवाइज इसलिए करवाए बिकॉज दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। आपके शॉर्ट क्वेश्चन एमसीक्यूज में भी आ सकता है और उसमें सेक्शन बी एंड सी में भी आ सकता है। सो डू प्रैक्टिस, आप इसे ज़रूर प्रैक्टिस किए अच्छे से। आप ये फॉर्मूला आप दोनों तरह से भी यूज़ कर सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आपने आपको पार्ट्स पर मिलियन बिलियन ट्रिलियन की अमाउंट दी हो और आपका कोई जो मास या वॉल्यूम है उसका पर्टिकुलर गैस का, वो भी आप इस वजह से फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हमने 10.7 एग्जांपल में इसमें कराया, तो आप इसे 10.7 एग्जांपल को और सेल्फ चेक 10.4 को 2 एंड 3 को अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा।